काशी धार्मिक पर्यटन के लिहाज से देश में मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। यही कारण है कि भगवान शिव की आराधना को समर्पित श्रावण मास में यहां इस वर्ष सभी रिकॉर्ड धराशायी हो गए। इस वर्ष श्रावण मास में कुल 1,63,00,000 से अधिक भक्तों ने बाबा भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर बाबा पर खूब चढ़ावा भी चढ़ाया। पिछले सावन के मुकाबले इस वर्ष सावन में बाबा को भक्तों ने 5 गुना ज्यादा चढ़ावा चढ़ाया है। इस साल भी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों ने कुल मिलाकर 16.89 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ाया है। लंगा थाना क्षेत्र में होटल के कमरे में मिले प्रॉपर्टी डीलर की आत्महत्या की गुत्थी उलझती ही जा रही है। गुरुवार को होटल के कमरे में मिले प्रॉपर्टी डीलर की आत्महत्या को परिजनों ने हत्या बताया है। बिहार के सासाराम से पहुंचे परिजनों ने शुक्रवार को लंका थाना पहुंच मामले की जांच करने की बात की। मृतक राकेश कुमार के परिजनों ने एसीपी प्रवीण सिंह से इस मामले में वार्ता कर मौके से मिले सुसाइड नोट पर शंका व्यक्त करते हुए हत्या की आशंका जताई है। और हमको ऐसा संदेह है कि उनका उनका मर्डर किया गया है। तो वहाँ पे सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था और जो है आप कह रहे कि लाख भी था अंदर से। सुसाइड नोट सर बरामद हुआ है, लेकिन उसके हैंडराइटिंग पे हमको थोड़ा सा डाउट है सर। और लॉक था, हम 10 बजे वहाँ इंक्वायरी करने गए थे तो क्या कहते हैं कि वो दरवाजा लॉक था। हमने एक नंबर छोड़ रखा था कि अगर वो आएंगे उनका कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगा तो आप हमको इस पर सूचित करिएगा। उन्होंने वहाँ के रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि हम आपको सूचित करेंगे, लेकिन हमको जब सूचित किए तो बोले कि यहाँ पुलिस आ गई है। मतलब पुलिस आई थी, हम पहुँचे तो पुलिस पहले से आई थी, दरवाज़ा भी खोली थी। इसमें थोड़ा सा हमको कंट्राडिक्शन लग रहा है सर, क्योंकि अगर हम उसी चीज़ को लेके आपके पास गए हैं और अगर वैसा कुछ भी होता है तो आपको हमको भी मतलब बता के सामने ही खोलना चाहिए दरवाज़ा। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने शुक्रवार को शिवपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान स्टेशन पर यात्री सुविधाएं भी देखी, साथ ही स्टेशन के संपूर्ण विकास का भरोसा दिलाया। बताया कि जाम से निजात के लिए रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। शिवपुर रेलवे स्टेशन से 10 सितम्बर से लखनऊ के लिए शटल एक्सप्रेस का परिचालन किया जाएगा। राज्य मंत्री ने कहा कि यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए जाने के उद्देश्य से शिवपुर रेलवे स्टेशन का संपूर्ण विकास किया जाएगा। सोनिया मार्ग पर स्थित 27 बिस्वा में बने तालाब पर कुछ अनाधिकृत लोगों के द्वारा विगत कई वर्षों से कब्जा किया गया था, जिसे शुक्रवार को नगर निगम के द्वारा कब्जा हटाते हुए बैरिकेडिंग कराई गई। सोनिया तालाब के संबंध में विगत दिनों महापौर अशोक कुमार तिवारी एवं नगर आयुक्त द्वारा समीक्षा की गई थी तथा राजस्व विभाग को शीघ्र विभागीय कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में राजस्व विभाग के द्वारा आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की गई। काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन पीठ सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता छात्र छात्राओं ने शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन के सभी विधाओं की एकल एवं समूह गायन द्वारा प्रस्तुतियां की। वाराणसी में 11 सितंबर से मिशन इंद्रधनुष 5.0 का दूसरा चरण शुरू होगा। इस संबंध में शुक्रवार को जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पर डीएम एस राजलिंगम की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल भी मौजूद रहे। 3 चरणों में संचालित होने वाले इस टीकाकरण अभियान में 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को नियमित टीके और गर्भवती को टीडी के टीके लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह की रिकॉर्ड जीत से पूरे प्रदेश के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घोसी विधानसभा में जीत पर जश्न मनाया। जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर थिरकते हुए जीत गया इंडिया का नारा बुलंद किया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं को जीत की बधाई दी। घोसी के चुनाव का आज परिणाम आया है और इंडिया और समाजवादी पार्टी, जिसमें ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है, और इस जीत से यह स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में आगामी 2024 के लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का सफाया करके मोदी जी को वापस गुजरात भेजने का काम करेगी। आज इसी कड़ी में हम लोगों ने जीत की खुशी मनाते हुए आपस में मिठाइयां बांटकर जीत की खुशी मनाते हुए माननीय अखिलेश यादव जी को जीत की बधाई दिया है, और आगामी उत्तर प्रदेश से लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफाया करने का संकल्प लिया है।
घोसी विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन से सपा के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के रिकॉर्ड मतों से जीत से विपक्ष में खुशी का माहौल। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान की हुई करारी हार और सपा के सुधाकर सिंह की जीत पर कांग्रेस पार्टी ने जनता का आभार व्यक्त किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सुधीर सिंह की जीत पर हर्ष व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन को बधाई दिया। घोसी उपचुनाव में जीत को ऐतिहासिक जीत बताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी भी की कि जो प्रत्याशी हमारे जीते हैं घोसी से, कल्पनाथ राय जी की धरती से, आज प्रचंड बहुमत से जो इंडिया गठबंधन चुनाव जीता है उसके उपलक्ष में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे स्वर्गीय अध्यक्ष, जिला के हमारे सारे कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे सभी लोग यहाँ बैठे हैं, सब लोग जश्न मना रहे हैं और सब लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को वाराणसी आ सकते हैं। प्रधानमंत्री काशी से ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में बनकर तैयार अटल आवासीय विद्यालय की सौगात देंगे। विद्यालयों के लोकार्पण का कार्यक्रम रोहनिया क्षेत्र में रखा गया है। यहां पीएम की जनसभा भी होगी। वहीं गंजारी में बनने वाले पूर्वांचल के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की नींव भी रख सकते हैं। ज्ञानवापी में एएस सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष को एक बार फिर जिला न्यायालय से झटका लगा है। ज्ञानवापी के सर्वे और उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कोर्ट में समय सीमा को बढ़ाए जाने के लिए एएसआई की अर्जी को मंजूर करते हुए 8 सप्ताह का समय और दिया है। बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में याचिका दाखिल करने के बाद एएसआई टीम को गुरुवार को सर्वे किए जाने से मुस्लिम पक्ष के द्वारा रोक दिया गया था। वहीं कोर्ट के निर्देश के पश्चात एक बार फिर ज्ञानवापी में सर्वे का काम शुरू होगा। उडुपी टू मुंबई की ओर से पवित्र सावन माह की आप सभी को शुभकामनाएं। काशी विश्वनाथ धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए यहां मिलती है शुद्ध शाकाहारी भोजन की सबसे उत्तम व्यवस्था। विश्वनाथ धाम और दशाश्वमेध घाट के पास साउथ इंडियन, महाराष्ट्रीय और नॉर्थ इंडियन खाने के लिए सबसे उत्तम स्थान है उडुपी टू मुंबई रेस्टोरेंट।